बेबी तुम टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक है, ओके? अब जी सर बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो हमें रूम चाहिए था। अब जी मिल जाएगा, लेकिन घंटे का 5,000 रुपये चार्ज। ठीक है। ये लो। अब आप दोनों अपनी आई कार्ड दे दो। अभी भी आईडी चाहिए? नहीं सर, जाइए, एंजॉय योर डेट। चले। बैठो। नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बताओ तुम्हें किसी बात की परेशानी हुई? तो फिर स्टार्ट करें। ओए होए होए, क्या कपल है, लेकिन आइटम तो बहुत अच्छी लाया है। मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। अब चेहरा अपना खुद खोलोगी या मैं अपने हाथों से खोलूंगी? तुम ही हटा दो। अरे स्नेहा यहाँ पे क्या कर रही है? मेरी बहन भी पागल है, किसी के भी साथ कहीं भी चली जाती है। अभी मैं बताता हूँ इसको। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और मिस्टर तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें पता नहीं है क्या, हम होटल वाले हैं और हमारे पास में हर रूम की मास्टर की होती है। तो मैं उसी मास्टर की से आया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा तो फिर ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी बहन है। तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये बात तुम्हें कैसे पता लगी कि तुम्हारी बहन है? क्योंकि जब मैं इसको लेकर आया था तो इसने अपने फेस पर स्टॉल बांध के रखा था, और जब मैं अंदर लाया तो भी इसने स्टॉल बांधा हुआ था। फिर तुम्हें कैसे पता लगा? देखो मुझे कोई फालतू बात नहीं करनी है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन मुझे करनी है। भैया छुपाने से कोई फायदा नहीं है, जो भी है सच सच बता दो। अब मुझे पता लगा कि तुमने इस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा है, और जो भी कपल्स यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं तुम उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल करते हो, भेज देते हो। भैया आपको पता है ये कौन है? ये अर्चना का भाई है। कौन अर्चना? वही अर्चना जिसका वीडियो आपने वायरल किया है। आपको पता भी है वो कौन से सदमे से गुजर रही है, कौन से डिप्रेशन से गुजर रही है? अब सच सच बताओगे तुम ये सब किस लिए और क्यों करते हो? देखो इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, होटल का मालिक जैसे बोलता है वैसे ही करते हैं, इसके लिए मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। अच्छा तो ये बात तुम पुलिस के सामने बोलोगे? हाँ, सब कुछ बहन मैं साफ साफ बोल दूंगा। एक मिनट में पुलिस को कॉल करूंगा। हेलो पुलिस स्टेशन,